अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हट के होगा। एक मैंने लोकल ब्रांड से परचेजिंग की थी और उसका होल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग कभी इस तरह से किसी लोकल ब्रांड से कोई चीज़ मंगवाएं तो आपको पता हो कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। तो मुझे ये बैग रिसीव हुआ और ये डैमेज था, इसका लॉक जो है वो टूटा हुआ था। विदाउट लॉक तो ये मैं क्लच यूज़ कर नहीं सकती थी। मैंने बड़े शौक से ये ऑर्डर किया था, फिर मैंने पेज से कांटेक्ट किया क्योंकि उसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। और आप लोग के साथ मैं फुल स्क्रीन शेयर करती हूँ विद मैसेजेस। तो ये कहानी स्टार्ट हुई 15 नवंबर, आप डेट भी चेक कर लें। मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, लाइक वो डैमेज था। मैंने वीडियो बनाई, शेयर की दिए गए नंबर पे, और उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से मैसेज किया कि वी चेक दिस बिफोर डिस्पैचिंग एंड इट वाज नॉट सिंगल ब्रोकन फ्रॉम वन साइड एंड पैक्ड इट बिकॉज इट्स फ्रेजाइल थिंग। ओके, देन मतलब इस तरह का रिस्पॉन्ड। अच्छा, उसके बाद काफ़ी मैंने मैसेजेस किए कि भाई रिस्पॉन्ड करें ये वो इस तरह से। फिर मुझे एक और नंबर मिला वेबसाइट से, मैंने फिर उस पर कॉन्टेक्ट किया। एड्रेस जो है वो मुझे मिल गया था और एक्सचेंज हो रहा था ये क्लच। मैंने इसको पैक किया, साथ वीडियो भी बनाई था कि वो ये क्लेम ना करें कि कोई चीज़ आपने कम भेजी है या कुछ भी हो सकता है। फॉर द सेफ साइड मैंने इसकी वीडियो भी बनाई फ्रॉम लाइक जब पैकिंग कर रही थी इसकी। मैंने पैकिंग की जिस तरह से वो मुझे रिसीव हुआ था, सेम उसी पैकेट में मैंने इसको डाला और जो है वो मैं इसको एड्रेस लिख के वो मैं पेपर पे लिख के लेके गई थी और TCS ऑफिस गई और डिलीवरी के लिए जो है वो मैंने इसको फिर बुक करवाया। TCS ऑफिस पहुंच के उन्होंने मुझे अपना बैग दिया, उस पर मैंने सारी डिटेल जो है वो लिखी और साथ थोड़ा डर भी लग रहा था कि होप्सो की एक्सचेंज हो जाए इसी डिज़ाइन में या फिर किसी और उसमें, लेकिन इस डिज़ाइन से ना थोड़ा सा मुझे अब वो हो गया था इस वाले क्लच से कि मैं इसको दोबारा दिल नहीं कर रहा था मुझे जो है वो करने का। पर चले इसको भेजते हैं, इतना भी पेज वालों ने वो कर लिया तो ये अच्छी एक बात होती है कि आपको वो रिस्पॉन्ड करें और एक्सचेंज के लिए मान जाएं। लेकिन आगे वो खुआरी जो है ना वो बहुत करनी पड़ती है एक्सचेंज वाले चक्कर में, ना बहुत आपको वो करना पड़ता है। आप ये सारी डिटेल यहाँ पे एड्रेस वगैरह मुझे मिल गया था और मैंने डिस्पैच कर दिया विद इन वीक, और मैंने नंबर ट्रैकिंग ID भी दे दी और उनको वो रिसीव भी हो गया। ठीक है, ये बात चली गई 21 नवंबर तक। अच्छा, उसके बाद मुझे दिल किया कि मैं इनसे कुछ एक्सचेंज ना ही करवाऊँ, अगर रिफ़ंड हो सकता है तो वो भी खैर चलो नहीं था। और उसके बाद तकरीबन फिर डेट चली गई दिसंबर 1, मतलब 15 से 1 तक 15 दिन हो गए और लाइक ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ। चले 18 से काउंट करते हैं, 18 को उनको ऑर्डर रिसीव हो गया। और उसके बाद अगर हम काउंट करें तो 1 दिसंबर तक मुझे अभी तक यही नहीं पता चला था कि वो ठीक हुआ है या वो एक्सचेंज होगा क्या होगा। ये मैसेज आप सुने जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके जो क्लच था ना उसका जो है ना वो लॉक वो कहीं से भी नहीं मिल रहा। एक तो इंपोर्टेड है, चाइना से मैन्युफैक्चर्ड है, और दूसरा जो है इसका जिसको मैंने दिया हुआ बैग वालों को अपने, वो कह रहा है कि इस पर मैं देखता हूँ कोई अल्टरनेट लॉक लग जाए ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि शायद हो जाए, उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन उसने अभी तक मुझे अपडेट नहीं दिया। मैं भी आपको ना अपडेट लेकर बताता हूँ। तो इस तरह का मुझे मैसेज आया कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता है, इस तरह से करते करते खैर फिर मुझे एक और नंबर दिया गया और फिर न्यू बैग्स उन्होंने दिखाए। उन्होंने बोला कि एक्सचेंज कर लें आप, मतलब वही चीज़। मुझे ख़ुद भी दिल नहीं था कि मैं उसको दोबारा मंगवाऊँ लॉक का, मुझे अभी भी थोड़ा सा वो था डर कि टूट ना जाए दोबारा या इस तरह से। तो फिर मुझे उस बैग का दिल ही टूट गया जो मैंने बड़े ही शौक़ से मंगवाया था। और फिर 4K की रेंज में मैंने कहा कि चलो भई और पैसे भी मैं इधर नहीं लगा सकती, ऑलरेडी मैं ख़रीद चुकी थी तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ गए। और उसके बाद मुझे ये वाला बैग पसंद आया और ग्रे वाला अवेलेबल था। फिर काफ़ी सारे उन्होंने मुझे डिज़ाइन सेंड किए, फिर मुझे नहीं वो समझ आई कि मैं इसको एक्सचेंज करूँ या क्या करूँ। और उसके बाद मुझे मैसेज आता है लाइक काफ़ी इग्नोरेंस के बाद, और ये डेट चली गई है दिसंबर 19 तक। नवंबर 18 को उनको रिसीव हो गया था और दिसंबर 19 तक मतलब मंथ हो गया था, इस चीज़ को उन्होंने सॉल्व नहीं किया। और उसके बाद फिर मुझे मैसेज आता है कि आई एम फ्रॉम इंस्टा ही लिखा हुआ है, आई हैव रिसीव योर कंप्लेंट अबाउट द बैग हैंडल इशू, लुक दैट थिंग्स नॉट हैपन फ्रॉम आवर साइड व्हेन वी डिस्पैच
द एनी पार्सल वी रीचेक दैम एंड इफ दैट हैपन फ्रॉम अस वी विल नेवर सेंड दिस काइंड ऑफ थिंग कॉज इट विल बी रिटर्न टू अस. ओके सो अच्छा ये मैसेज मुझे ये मैसेज पढ़ के ना सही मेरा दिमाग ख़राब हुआ था. सो एज़ योर सेल पर्सन टोल्ड यू दैट वी कैन ओनली डू फॉर यू दैट यू कैन बाय द बैग अंडर 4,000 एंड यू हैव टू पे 2,000 फॉर एनी शूज़. मतलब वट सो इफ नॉट वी अपील की क्या लिखा हुआ है वी विल शायद स्पेलिंग मिस्टेक है वी विल सेंड यू द बैग एज इट्स कम टू अस वी हैव नो अदर चॉइस और इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग और ये वो फलाना फलाना. अच्छा मुझे ये मैसेज पढ़ के भाई एक महीने से आप लोगों ने मुझे लटकाया हुआ है रिफंड चले नहीं एक्सचेंज के चक्कर में उसके बाद आप मुझे ये मैसेज करते हो फिर तो मुझे समझ नहीं आया. और मैंने इतने सारे इनको मैसेजेस किए और मुझे नहीं पता कि मैंने इनको क्या क्या बोला और क्या नहीं बोला क्योंकि एक महीने से मैं उस चीज़ को बड़े ही आराम से हैंडल कर रही थी कि भाई चलें कोई बात नहीं जितना भी टाइम लगता है मेरी चीज़ एक्सचेंज हो जाए. लेकिन आप मंथ बाद ये मैसेज करते हो और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने ये मैसेज किया और विद इन लाइक उसी दिन आप देख सकते हो 21 नवंबर की बात है 20 की सॉरी और उसके बाद 21 नवंबर को ही मुझे उन्होंने डिस्पैच कर दिया वही ग्रे वाला बैग और दे दिया. और ये कुछ बस शॉर्ट सी स्टोरी है. शॉर्ट सी क्या मतलब इसके बाद मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा कि लोकल ब्रांड से कोई चीज़ आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और मैं तो कभी भी अब इनसे कुछ भी नहीं लूँगी. और ये इस तरह से कुछ एक्सपीरियंस होते हैं और अगर मैं इनको ये मैसेजेस ना करती ये वाले सारे ये बहुत ज़रूरी थे उसके बाद ही ये सारा फास्ट हुआ है. मतलब अगर हम आराम से बात करें या कोई वो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उसको सीरियस तो लो. पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी साइड से कोई मसला ही नहीं है. मतलब ये क्या बात हुई अगर एक चीज़ मैं मंगवा रही हूँ तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो मेरे तक सही सलामत पहुँचे. अगर वो नहीं पहुँचती तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी तो नहीं है. तो बस इसी चक्कर में ये बहुत लेट हो गया था लाइक पूरा महीना तो उन्होंने ख्वार किया और उसके बाद जाके मुझे बैग मिला और बैग की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती. इतने लंबे इंतज़ार के बाद मुझे जो है वो एक्सचेंज जो मैंने बैग किया क्रिस्टन डियोर का था वो मुझे रिसीव हो गया. अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ लाइव ही कर रही हूँ. होप्स हो कि ये जो है वो सही हो पूरा सही सलामत हो इसकी जिप शिप और सारी चीज़ें ठीक है. तो मुझे थोड़ा वो भी था डर भी लग रहा था लेकिन मैं किसी पेज की उस तरह से बुराई या वो नहीं कर रही मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है. तो ये डस्ट बैग भी इसके साथ था. डस्ट बैग में मैंने इसको जो है जब निकाला तो कुछ इस तरह से था छोटा सा बैग था और ये जो है वो क्लच से बैग के में कन्वर्ट हो गया क्योंकि पहले मैंने क्लच मंगवाया था. और ये बैग थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बस थोड़ा साइड पीस ही है क्योंकि एक साइड से वो बिल्कुल प्रेस हुआ हुआ था. इसकी शेप में थोड़ा सा था क्योंकि 4,000 का बैग था तो थोड़ा शेप तो एटलीस्ट सही हो क्योंकि शेप ख़राब हो जाए बैग की वो सही नहीं होती. उस तरह से देखें साइड से थोड़ा सा शेप में वो है पर चले उस दूसरे वाले क्लच से ये बेहतर था कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. तो मेरा तो एक्सपीरियंस इस तरह का था. अगर आप लोग के साथ कभी इस तरह से कुछ हुआ है तो जो शेयर एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.